नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के नेतृत्व में 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को पत्रकारों की समस्याओं के संबंध में 21 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ राजगढ़ जिला इकाई ने जिला मुख्यालय पर राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित की अनुपस्थिति में तहसीलदार को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। इसके पूर्व ज्ञापन का वाचन जिला अध्यक्ष संजय राठौर द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल 21 सूत्रीय मांग, पत्रकार भवन पुनः लौटाया जाए, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, पत्रकार के शासकीय आवास खाली कराने की समय सीमा हो, त्रिपक्षीय वार्ता कमेटी शीघ्र गठित हो, श्रम विभाग के सहयोग से कमेटी बने, संभाग व जिला प्रकोष्ठ बनाए जाए, बेगारी प्रथा पर रोक लगे, डेस्क पर कार्य कर रहे श्रमजीवी पत्रकारों को अधिमान्यता दी जाए, श्रम निधि का लाभ उन्हें भी दिया जाए, बिना समिति की अनुशंसा पर अधिमान्यता कार्ड बनाया जाए, श्रमजीवी पत्रकार कल्याण आयोग का गठन हो, तहसील स्तर पर सूचना सहायक नियुक्त किए जाए, तहसील स्तर पर अधिमान्यता जिला जनसंपर्क अधिकारी की अनुशंसा पर ही दी जाए, अधिमान्य पत्रकारों को क्या सुविधा, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्ड को मान्यता दी जाए, राज्य सरकार के विश्राम भवनों पर रुकने की सुविधा प्रदान की जाए, आवास समितियां बनाई जाए तथा को पत्रकार भवन के लिए जमीन दी जाए, सदस्य संख्या के आधार पर समितियों में लिया जाए, समाचार पत्रों तथा पत्रकारों को GST में मुक्त रखा जाए, लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों की विज्ञापन नीति पर पुनः विचार हो, पत्रकारों के खिलाफ लगे मुकदमों को CID को सौंपा जाए। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण वैष्णव, संभागीय अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, संभागीय कार्यकारी अध्यक्ष कमल चौरसिया, जिला अध्यक्ष संजय राठौर, संभागीय सचिव गजराज मीणा, संभागीय उपाध्यक्ष नागेश जोशी, जिला महासचिव अशोक साहू, अतीक खान, कार्यकारी अध्यक्ष करीम खान, प्रकाश प्रेम गुप्ता, श्याम रानुलिया, भगवत साहू, कैलाश शर्मा, लोकेश साहू, नबी खान, अमित दुबे, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ सदस्य मौजूद थे। अंत में आभार अतीक खान राजगढ़ द्वारा माना गया। जानते हैं 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ पत्रकारिता से जुड़े हुए सब लोग ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संगठन है, हम सब भी श्रमजीवी पत्रकार हैं। इसको लेकर के प्रत्येक वर्ष 1 मई को जैसा भी प्रदेश नेतृत्व तय करता है, कभी प्रदेश मुख्यालय पे भोपाल में तो कभी सभी जिला इकाइयों के माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हम अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर के जिला कलेक्टरों के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अपनी मांगे पहुँचाते हैं। उसी क्रम में हम आज राजगढ़ जिले में भी एकत्रित होकर के हमने 21 सूत्री मांगों को लेकर के अपना ज्ञापन जो कि कलेक्टर को देना था, पर अपरिहार्य कारणों से कल को बात मीटिंग में जरूर आऊँगा ज्ञापन लेने, कहीं नहीं गया तो हो सकता है कलेक्टर ने व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा रहती है, नहीं आ पाया, उनने जो भी व्यवस्था करी अपने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। इसमें प्रमुख रूप से जो हमारी मांगे हैं, आप सब जानते हैं मानसी नगर में हमारा पत्रकार भवन था, 15 महीने की सरकार बीच में आई, कुछ मंत्रियों से व्यवस्था थी, संगठन के प्रति कुछ मंत्री व्यवस्था रखते थे, उनमें से एकाध मंत्री संगठन के उसी कार्यालय में बैठे गए थे, उस दुराभाव को लेकर के कि हमारा केस चल ही रहा था, सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, अनैतिक तरीके से असंवैधानिक तरीके से पत्रकार भवन को तोड़ा गया, कोई प्रत्यक्षदर्शी था नहीं, हुआ प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने देखा था कि पत्रकार भवन तोड़ते समय प्रशासन किस तरह से दबा हुआ था, पुलिस की ऐसी लाइनें लगी हुई थी 4 पंक्तियों ऐसी, दूसरी तीसरी चौथी, तो पत्रकार यदि ये लड़ाई लड़ेंगे भी तो पुलिस 4-4 लाइनों में पालन करेंगे, जितने भी संभाग
की तरफ बजाएंगे, बजाएंगे बजाओ जिला बाकी से शादी सामने कुर्सियों पे बैठेंगे। रखिए देश के हर शहर हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।